हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे कोई भी कस्टमर है हमारा, वो हमें डॉक्यूमेंट सेंड करता है और मोबाइल से फ़ोटो खींच के सेंड करता है, तो वो उस फ़ोटो में क्या है, बैकग्राउंड होता है और वो फ़ोटो कहीं ना कहीं थोड़ी टेढ़ी होती है, तो उसको हम सही करके प्रिंट कैसे करें। तो जैसे कि मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं जो मेरे पास आए हुए हैं प्रिंट के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करने पे काफ़ी डार्क आ रहे हैं और थोड़े टेढ़े भी हैं, तो इनको हम कैसे फ़ोटोशॉप में क्लियर करें और ये भी जो कर्व डॉक्यूमेंट है इसको हम सीधा कैसे करें, तो वो आज आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पे मिल पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें फ़ोटोशॉप ओपन करना होगा। जैसे ही हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा तो फ़ोटोशॉप में हमें अपनी ये इमेज इंसर्ट करनी होगी। जैसे हमारी इमेज न्यू फोल्डर 2 में है और हमें ये डॉक्यूमेंट क्लियर करना है, तो हम इसको अपने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हमें इस पर सिंपली देखना है कि हमें यहाँ से कहाँ कहाँ से इसको डॉक्यूमेंट को क्रॉप करना है और कहाँ कहाँ पर डॉक्यूमेंट ज़्यादा लाइट है, कहाँ पर ज़्यादा डार्क है। जैसे कि कॉर्नर पे आप देख पाओगे, यहाँ डॉक्यूमेंट काफ़ी डार्क है यहाँ कॉर्नर पे, और इस तरफ डॉक्यूमेंट लाइट है, तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसको प्रिंट करते समय यहाँ पर ज़्यादा लाइट ना हो जाए और यहाँ पर ज़्यादा डार्क ना रह जाए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट को हमें क्रॉप करना होगा। क्रॉप हमें उतना ही पोर्शन करना है जितना हमें चाहिए और हमारा मैटर भी कटना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें इतना इतना हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, ये सारा जो भी है फ़ोटो का पार्ट वो हमारे किसी काम का नहीं है। इतना क्रॉप करने के बाद आपको इस इमेज को बैकग्राउंड लेयर से सेपरेट करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको सीधा कर पाएँ फ़ोटो को। तो आप अल्ट बटन प्रेस करके बैकग्राउंड लेयर पर दो बार प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल टी बटन को प्रेस करना है, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे कॉर्नर पे पॉइंट डॉटेड आ गए हैं, तो आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके इनको हल्का सा सीधा कर सकते हैं जितना कि हमारा मैटर कटे ना। तो हम इसको दोनों तरफ से अपने डॉक्यूमेंट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको इंटर मार देंगे। इंटर करने के बाद इसको फाइनली हमको एक बार और क्रॉप करना होगा। तो इसको फाइनली क्रॉप करने के बाद अब हमें इसे बैकग्राउंड से सेपरेट करना पड़ेगा। जो हमें इसका बैकग्राउंड लाइट करना है उसके लिए हमें कंट्रोल एल बटन प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल एल बटन प्रेस करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर भी लाइट बैकग्राउंड है वहाँ आप इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद हमें देखना है कि ये ज़्यादा भी लाइट ना हो जाए हमारा मैटर, ना प्रिंटिंग में दिक्कत करेगा। रेक्टेंगल टूल की मदद से हमें इसके पोर्शंस को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर करके वही कंट्रोल एल बटन प्रेस करके इसे हमें धीरे धीरे से आराम से देखते हुए कि हमारा मैटर ज़्यादा लाइट ना हो जाए, तो उतना देखते हुए हमें पोर्शन सिलेक्ट करना है, उतना ही लाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड रह गया है, तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे और हम फिर से वही कमांड दोहराएंगे, तो ये हमारा यहाँ का भी बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। ऐसे ही रिमूव करने के लिए हमें सिंपली इतने पोर्शन को सिलेक्ट फिर करना है। कंट्रोल एल बटन आप कंट्रोल अल्ट एल प्रेस करोगे तो जो भी कमांड हमने अभी लास्ट में अप्लाई की है वो दोबारा से अप्लाई हो जाएगी। अभी हमारा यहाँ से थोड़ा बैकग्राउंड और रह गया है, फिर से हम कंट्रोल एल बटन प्रेस करते हैं और ओके करते हैं। अभी हमारा यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अभी हमें इतना पोर्शन लेना है, फिर से कंट्रोल एल और इंटर। अब बाकी ये पोर्शन है जो हमें डिलीट ही कर देना है सीधा, और जो ऊपर का ये पोर्शन है जो हमारे किसी काम का नहीं है तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। बाकी अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड है पूरी तरह से रिमूव हो गया है, तो अब हमें इस पूरे मैटर को हल्का सा डार्क कर देना है, जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अच्छे से आ जाए। डार्क करने के लिए वही कंट्रोल एल बटन प्रेस करेंगे आप, और जो वो बीच वाला ये एरो है इसको राइट की तरफ मूव करना है, तो आपका जो भी टेक्स्ट है आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे डार्क होता चला जा रहा है,
और साथ ही साथ डार्क होने के बाद हल्का हल्का जो बैकग्राउंड रहेगा वो भी हमें शो होने लगा है। तो इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए लेफ्ट वाले एरो को हल्का सा हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो आप देख पा रहे हो जो बैकग्राउंड अभी हमें शो हो रहा था वो हट गया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सिंपली ओके करना है और फिर हमें चेक करना है कि कहीं डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड रह तो नहीं गया है, तो उस हिसाब से हमें देख लेना है। बाकी ये हमारा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। क्लीन करने के बाद आप देख पा रहे हो जो पोर्शन मैंने डिलीट किया था इसको वाइट करने के लिए सिंपली आप लेयर टूल में जाएंगे, लेयर मेन्यू में जाके फिलामेंट इमेज पर क्लिक करना, तो ये वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आप इसको कंट्रोल एस बटन करके प्रेस भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से कमांड देना चाहें तो सिंपली कंट्रोल पी की मदद से फिट टू मीडिया करके दे सकते हैं प्रिंट, तो आपका ये A4 साइज पर प्रिंट हो जाएगा। और अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो नॉर्मली कंट्रोल एस बटन से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द ही रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।